हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के चलते जहां करोड़ों रुपए की संपदा को नुकसान पहुंचा है, तो वहीं प्रदेश के नेशनल हाईवे, सड़कों सहित आईपीएच विभाग की स्कीमें और जंगलों को भी नुकसान पहुंचा है। बिलासपुर जिला के दियोड़ में लैंडस्लाइड के नाम पर अवैध खनन को अंजाम देने और खनन माफिया को बीजेपी नेताओं का संरक्षण प्राप्त होने का इल्जाम पूर्व मंत्री एवं नैना देवी के विधायक रामलाल ठाकुर ने लगाए हैं। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के चलते जहां करोड़ों रुपए की संपदा को नुकसान पहुंचा है, तो वहीं प्रदेश के नेशनल हाईवे, सड़कों सहित आईपीएच स्कीम व जंगलों को भी नुकसान पहुंचा है। वहीं बिलासपुर जिला के दियोथ में लैंडस्लाइड के नाम पर अवैध खनन को अंजाम देने और खनन माफियाओं को बीजेपी नेता का संरक्षण प्राप्त होने का इल्जाम पूर्व मंत्री एवं नैना देवी के कांग्रेस विधायक रामलाल ठाकुर ने लगाया है। रामलाल ठाकुर का दावा है कि दियोथ में लैंडस्लाइड के नाम पर ठेकेदारों द्वारा खनन को अंजाम देकर मोरम और रोड़ी के हजारों ट्रक सप्लाई किए गए हैं, जिससे सरकार को चूना लग रहा है। इसके साथ ही उन्होंने अवैध खनन के पीछे बीजेपी के प्रदेश स्तरीय पदाधिकारी का हाथ होने का आरोप भी लगाया है, जिसकी जाँच प्रदेश सरकार द्वारा किए जाने की उन्होंने मांग की है। हो रहा है कि चंद चांदी के टुकड़ों के लिए कुछ भारतीय जनता पार्टी के ठेकेदार आज नाम लेते हैं कि जी ये लैंडस्लाइड हो गया, और वो भी बताते हैं सड़क के किनारे पे, जहाँ से हजारों ट्रक जो है मोरम के और रोड़ी के सप्लाई हो रहे हैं, 5,000 रुपये में एक ट्रक बिक रहा है, और यहाँ तक कि बिलासपुर से वो ट्रक जो है वो दारोला तक जा रहे हैं। सड़क के किनारे पर ढेर लगे हुए हैं, जो ये माइन माफिया है वो बाकायदा तौर पे ना किसी का ध्यान जा रहा है। पीडब्ल्यूडी के लोगों ने कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं दे रखा है, कोई ठेका नहीं दे रखा है, लेकिन वहाँ पे कुछ भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, कुछ यहाँ के पंचायतों के लोग हैं, वो खड़े होके वहाँ पे दिन रात आज की तारीख में 500-500 गाड़ियाँ उठा रहे हैं। यहाँ पे लीडर हैं भारतीय जनता पार्टी के, प्रदेश लेवल के जो हैं पदाधिकारी हैं, उनको संरक्षण दे के जो है ये लूटपाट मचाने के लिए उन्होंने ये सारा तरीका कर रखा है। हजारों रुपए का वहाँ से मोरम बिक गया, और ये जो मोरम है ये मैं कहूँगा बड़े पैमाने पे एक, मैं कहूँगा कि इस प्रकार का भ्रष्टाचार है। मैं कहूँगा हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी, और हिमाचल प्रदेश के जो हमारे जो फॉरेस्ट मिनिस्टर हैं या हमारे जो आईपीएच मंत्री हैं, इन सबको जो है उसके बारे में ध्यान देने की आवश्यकता है। वहीं रामलाल ठाकुर के आरोपों पर पलटवार करते हुए प्रदेश बीजेपी मुख्य प्रवक्ता और नैना देवी से पूर्व विधायक रणधीर शर्मा ने कहा कि रामलाल ठाकुर वरिष्ठ नेता होने के बावजूद निराधार आरोप लगा रहे हैं, जिसके सबूत उन्हें सामने लाने चाहिए। वहीं रामलाल ठाकुर के आरोपों की निंदा करते हुए रणधीर शर्मा ने दियोथ में किसी भी तरह का अवैध खनन न होने का दावा करते हुए बरसात के दौरान लैंडस्लाइड से पहाड़ी का मलबा गिरने और उसे पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा हटाने की बात कही है। पूर्व मंत्री और श्री नैना देवी जी विधानसभा क्षेत्र के विधायक रामलाल ठाकुर हमेशा तथ्यारहित बात करते हैं, तथ्यारहित आरोप लगाते हैं। जहां तक दियोथ पंचायत में अवैध खनन की बात है, हर कोई जानता है पिछले दिनों भारी बारिश के कारण वहां लैंडस्लाइड हुआ, सड़क अवरुद्ध हुई, और वहां के प्रधान ने जनता की सुविधा के लिए उस सड़क को खोला है, लोक निर्माण विभाग का साथ दिया है, और उसमें अवैध खनन के आरोप लगाना सरासर निराधार है, और मैं उनके निराधार आरोप लगाने के लिए उनकी निंदा करता हूं, और मुझे लगता है वो एक सनसनी फैलाने की कोशिश करते हैं। लैंडस्लाइड हुआ है और अवरुद्ध मार्ग को खोलना, सड़क को खोलना सरकार का विभाग का काम है, उसे लोक निर्माण विभाग कर रहा है, और कोई भी अवैध खनन वहाँ पर नहीं हो रहा है, ये सरासर निराधार है। कार्यक्रम में वक्त हो गया है ब्रेक का, ब्रेक के बाद जारी रहेंगी प्रदेश की गतिविधियां।